हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे 10th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और हम डिस्कस करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यूज़ भी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किए हैं, तो उनको आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट आए, प्रॉब्लम आए तो आप मुझ से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज आर द इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। देखिए, हम इकोनॉमी में क्या करते हैं, इकोनॉमी में हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है इन द इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन ये गुड्स और सर्विसेज अगर हम इकोनॉमिक सेंस में देखें, ये आते कैसे हैं, तो आते कहाँ से हैं, इनपुट से आती है, ठीक है। हम इनपुट्स यूज़ करके आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। तो इनपुट्स से हम निकालते हैं आउटपुट क्यू, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, जब हमने लॉज ऑफ प्रोडक्शन हमने जब पढ़े थे तो उनमें डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन अब ये जो आउटपुट है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जब हम देखते हैं, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेन आती है, वो आपको पता ही होगा नाम से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम इकोनॉमिक्स में लेते हैं। लेकिन देखिए, जनरल टर्म में लैंड ज़मीन को कहते हैं, या लेबर जो हम मजदूर लगाते हैं, या कैपिटल जो हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो जनरल सेंस में इनका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में हम इन्हें थोड़ा डिफरेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम पहले इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है हम आज वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है, ये पहले ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या होते हैं, सिंपल आप याद रख लीजिए, दीज आर द इनपुट्स यूज्ड इन द बिजनेस, ओके, ठीक है। तो इनपुट्स जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, ओके। तो देखिए, यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्हीं से क्या है कि हमारी इकोनॉमी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी रन करती है इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो यहाँ जो इकोनॉमी के बिल्डिंग ब्लॉक से, मतलब जो हम जो भी इनपुट यूज करते हैं, हम वो चार कैटेगरीज में इकोनॉमिक सेंस में वो चार कैटेगरीज में डिवाइड होंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम इकोनॉमिक्स में सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज क्या होती है, जो हम यूज करते हैं, ठीक है, विच आर यूज टू सेटिस्फाई वांट्स एंड नीड्स, वांट्स और नीड्स को हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हम यूज करते हैं, उनको हम यूज करते हैं वो तो गुड्स एंड सर्विसेज है। तो गुड्स और सर्विसेज कहाँ से आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये इनपुट्स जब हम यूज करते हैं इकोनॉमी में, तो हमारा आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। जैसे भी कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, फार्मर की, प्रोड्यूसर की, ठीक है, ये है बेसिक डेफिनेशन इनकी। तो डेफिनेशन है, उतना कोई इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम एक एक करके अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझ लेते हैं, ठीक, इकोनॉमिक्स में हम कैसे इनको समझे, ओके। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लैंड, लैंड इकोनॉमिक्स में किसको कहते हैं। देखिए, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जो भी इस दुनिया में है, जो भी इस वर्ल्ड में इकोनॉमी में है, उसको हम क्लासिफाई एज लैंड करते हैं इन द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप मतलब कोई भी नेचुरल रिसोर्स लीजिए जो भी प्रोडक्शन में यूज़ हो, जैसे वाटर है, लाइट है, हीट है, कॉपर है, ऑयल है, या नेचुरल गैस भी आप फॉरेस्ट्स कहें, तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज से जब भी वो एज इनपुट्स यूज होंगे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको हम क्लासिफाई करेंगे एज लैंड, ठीक है। तो अब लैंड का क्या है कि एज पर मार्शल, जो एक इकोनॉमिस्ट थे, तो उनका क्या कहना था कि मतलब लैंड जो है, इट इज़ द गिफ्ट्स ऑफ नेचर फ्रीली अवेलेबल। तो ये वो गिफ्ट्स है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिनके लिए कोई रेंट, कोई फीस हमें नहीं देना पड़ता है। वाटर फ्रीली अवेलेबल है, एयर है, लाइट है, हीट है, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है फ्रॉम द नेचर, ठीक है, और फ्रॉम द गॉड, ठीक है। तो अब जो उसके बाद जो हम देखिए, हर किसी चीज़ में कुछ न कुछ हमें मुनाफा आता है, फ़ायदा आता है। तो जो लैंड से जो भी जनरेट होगा, ठीक है, जो रेवेन्यू जो लैंड हमें देगी, जो रिवॉर्ड वहाँ से मिलेगा, उसको हम कहते हैं रेंट, ठीक है। तो रेंट क्या है, रेंट
आपसे पूछा जाए तो ये रिटर्न होता है जो लैंड से मिलता है, ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्स से उनसे जो रिटर्न मिलेगा तो वो एक रेंट होगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस निकलेगा तो इकोनॉमिक्स में हम उसको रेंट कहेंगे, ठीक है। आपकी कोई लैंड है, कोई ज़मीन है, उससे आप कोई प्रोड्यूस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो रेंट में क्लासिफाई होगा, ठीक है। तो ये है लैंड के बारे में, ठीक है। तो अगर इसके बाद हम इसके थोड़े करेक्टरिस्टिक्स देखें तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ सकता है, नेचर्स गिफ्ट, जैसा मैंने आपको बोला, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम एज लैंड क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कोई भी नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स में आप याद रखेंगे, तो लैंड का जो जनरल मीनिंग है और इकोनॉमिक्स में थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है। तो लैंड जो है ये प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है, तो प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिससे प्रोडक्शन इनिशिएट होती है, ठीक है, या जो मस्ट है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो उसके बाद लैंड जो है फिक्स्ड इन क्वांटिटी, आपको पता ही होगा, देखिए आप ऑयल की एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, किसी भी लैंड की एग्जांपल ले लीजिए जो हम एग्रीकल्चर के लिए कल्टिवेट करते हैं, तो ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इससे कन्फ्यूज मत होना कि लैंड ये वेरी करता है, कोई बेचता है किसी को तो फिर उसकी ज़मीन कम या ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ हम लैंड को एब्सोल्यूट सेंस में ले रहे हैं, नेचुरल सेंस में। ओवरऑल अगर वर्ल्ड की लैंड देखिए तो फिक्स्ड ही है, ठीक है। तो इसी तरह जो लैंड है इसका और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये परमानेंट है, ठीक है, लैंड परमानेंट है, ठीक है, ये हमेशा रहेगी, ठीक है ना, जब तक वर्ल्ड है तो तब तक लैंड है, ठीक है, तो परमानेंट फ्यूचर है। देन लैक ऑफ मोबिलिटी, तो लैक ऑफ मोबिलिटी मतलब है जहाँ लैंड है वहीं पे है तो मोबाइल नहीं है, ठीक है, मतलब इसको हम मूव नहीं ज़्यादा कर सकते, ठीक है। तो ऑयल रिसोर्सेज जहाँ पे है तो वहीं पे ऑयल निकल रहा है, तो मतलब मोबाइल ज़्यादा नहीं है, मतलब मिडल ईस्ट की एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वहाँ से ऑयल जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ऑयल वहाँ से हमें वहीं से निकलता है, तो मतलब इसकी मोबिलिटी बहुत कम है, लैंड की मोबिलिटी जो है कम है, ठीक है। तो इसके बाद आप देख लीजिए, और एक जो है इसका सप्लाई इज़ इनलास्टिक, तो इनलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है कि मतलब प्राइसेस बढ़े या घटे, तो उससे घटे या बढ़े तो लैंड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, लैंड तो फिक्स्ड रहेगी, देखिए वाटर, हीट, लाइट, ऑयल, ये सब फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो हम जनरली क्या कहते हैं, इनकी सप्लाई जो होती है इनइलास्टिक होती है, क्योंकि देखिए कोई मैन मेड नहीं है, कोई इंसान तो नहीं बना रहे हैं ना ऑयल को या वाटर को, तो ये जितना है उतना ही है, तो इसकी सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है, हाँ, या आप कह सकते हैं कि नेचर ने जो बनाया है उतना ही है, ठीक है। सो इट इज़ द नेचरस मैकेनिज्म, ओके, नटशेल में। देन सेकेंड डिस्कस करेंगे हम लेबर को, ठीक है। तो लेबर का मतलब क्या है, देखिए लेबर ऐसा नहीं है कि लेबर आप जो मतलब घर में हम जो मजदूर वजदूर लगाते हैं तो वो लेबर है, तो इस तरह इकोनॉमिक्स में थोड़ा हम अलग ब्रॉड वे में अगर हम देखें लेबर इकोनॉमिक्स में किसको कहते हैं, तो लेबर इकोनॉमिक्स में ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, तो जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं, जितने भी एफर्ट्स हम कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में, तो जिनसे जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस सब को हम कहते हैं लेबर, ठीक है। तो लेबर से जो प्रोडक्शन आएगी उसको हम कहेंगे एज क्लासिफाई करेंगे एज लेबर, ठीक है। तो इसमें देखिए इकोनॉमिक्स में फिर लेबर, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की सर्विसेज जो भी वो दे रहे, बैंक अपनी सर्विस दे रहा है, तो ये सब लेबर के अंदर आएगा। तो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स लग रहे हैं प्रोडक्शन में, तो उसको हम लेबर कहेंगे। तो अब देखिए वहाँ लैंड हमें क्या दे रहा था, रेंट दे रहा था, तो लेबर को क्या मिलती है, वेजेस मिलती है, ठीक है ना, जनरली तो वेजेस जो भी मतलब मिलता है सर्विस के बदले, बैंक को कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको जो तनख्वाह मिल रही है, एंटरप्रेन्योर जो कमा रहा है, तो जो भी वो अपने एफर्ट से जो उनको रिटर्न मिलता है तो उसको हम कहते हैं वेजेस, ठीक है। कोई टीचर पढ़ा रहा है उससे जो मिलता है तो वेजेस होती है, ठीक है। देन वेजेस का क्या है कि इनकी क्वालिटी डिपेंड करती है अपॉन द एजुकेशन, स्किल, मोटिवेशन, ठीक है। ये तो सिंपल ही है कि जितना एजुकेशन लेवल हाई होगा, स्किल हाई होगा, मोटिवेशन हाई होगा, तो उससे क्या है कि लेबर की क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है, मतलब वो आउटपुट जो है उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है और ज़्यादा आउटपुट भी वो निकालती है, ठीक है। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, तो पेरिशेबल है, ठीक है, तो उसके बाद इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, तो देखिए पेरिशेबल का मतलब क्या है यहाँ पे समझ लीजिएगा थोड़ा, और इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, ठीक है। तो देखिए पेरिशेबल का मतलब है कि अगर कोई भी डॉक्टर
अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है, डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है, या कोई लेबरर काम कर रहा है। तो देखिए ये लेबरर पे डिपेंड करता है, वो काम करेगा तो करेगा, डॉक्टर अपनी चाहिए सर्विस देगा तो नहीं देगा। तो डॉक्टर रिटायर भी हो सकता है, लेबर भी रिटायर हो सकता है। तो वनस इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया तो उसके बाद इनकी मर्जी है कि ये काम करे ना करे। तो इसका मतलब है कि लेबर जो है वो पेरिशेबल इन नेचर है, ठीक है, मतलब खत्म होता है, ठीक है, काम किया तो हो गया, ठीक है, तो इट इज़ पेरिशेबल इन नेचर। तो वहाँ पे लैंड क्या था, परमानेंट था, ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसका है। उसके बाद इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, ठीक है, तो इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर मतलब कि लेबरर के बगैर लेबर नहीं चलेगा। देखिए कोई ना कोई ह्यूमन तो होना चाहिए ना, चाहे आप किसी किसी भी मतलब पूरी इकोनॉमी की पूरी इकोनॉमी को आप देख लीजिए, कहीं पे भी जाइए, ठीक है, तो हमेशा तो जितना कोई ना कोई तो वहाँ होगा जो ऑपरेट कर रहा होगा। तो मतलब कोई ना कोई अपना स्किल दे रहा है, कोई दिमाग लड़ा रहा है, कोई हाथ से काम कर रहा है, तो जो भी कोई अपनी सर्विस दे रहा है तो मतलब कोई ना कोई पीछे है, मतलब उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स में लेबरर। तो लेबरर इन इकोनॉमिक्स डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, ठीक है, तो इन इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, ठीक है। तो लेस मोबाइल कंपेयर टू कैपिटल, तो उसके बाद मतलब क्या है कि देखिए लेबरर जो होता है ये कंपेयर टू कैपिटल, अगर हम देखें कैपिटल में उस पर अभी आऊँगा, तो उससे उसके मुकाबले ये कम मोबाइल होता है, ठीक है, तो लैंड के मुकाबले ज़्यादा मोबाइल होगा, ठीक है। तो मोबाइल का मतलब है कि मतलब ये लेबरर्स, मतलब देखिए जहाँ पे काम होता होगा तो मैक्सिमम वहीं पे काम करेंगे, ठीक है। टीचर अगर देखेंगे, देखिए टीचर की एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, कहीं पे जॉब कर रहा है, तो अगर जॉब कर रहा है तो ये है यही तो पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत टाइम के लिए उसी खास जगह पे रहने वाला है, या फिर ट्रांसफ़र बहुत लंबे टाइम के बाद होने वाली, या कोई भी एम्प्लॉय कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो वहीं फिक्स्ड प्लेस पे काम कर रहा है, ठीक है, तो इसमें मोबिलिटी कम होती है कंपेयर टू, ठीक है। तो कैपिटल में जैसे आप देख लीजिए मनी ज़्यादा फ्लो करता है, ठीक है, मनी एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब बैंक के पैसा ले रहे तो फिर किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, लोन के तौर पे, ठीक है, जैसे आप बैंक की एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, की एग्जांपल अगर हम ले लेंगे, ठीक है, दिस इज बैंक, तो बैंक क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, ठीक है, तो लेकिन बैंक को कौन पैसा दे रहा है, कंज्यूमर्स, सॉरी इन्वेस्ट, हाँ आप कंज्यूमर्स भी रख सकते हैं, कंज्यूमर्स मतलब आप मान लीजिए आप कंज्यूमर हो, कोई भी कस्टमर हो, कस्टमर यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है बैंकिंग में, कस्टमर बैंक को पैसा देता है और बैंक इसी पैसे को एज लोन बाकी लेंडर जो जो भी मतलब ये बरोवर्स हैं उनको देती है, ठीक है, तो बैंक एज, तो देखिए मतलब सुबह यहाँ पैसा आपने इन्वेस्ट किया तो इसी दिन यहाँ इसके पास चला गया, तो ये जो लोन वाला है कहीं और जाएगा तो इसको कहीं और इन्वेस्ट कर लेगा, ठीक है, तो जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ्लो करती है, लिक्विड होती है बहुत। तो इस तरह जो ये लेबरर है तो ये इस तरह, देखिए अब इसी बैंक मैनेजर को लीजिए या इस बरोवर को लीजिए या जहाँ पे काम कर रहा है तो वहीं पे तो मतलब जहाँ पे अपनी ये सर्विसेज दे रहा है, जहाँ ये अपने एफर्ट्स लगा रहा है, तो यूजुअली फिक्स्ड रहता है, एक ही जगह रहता है, ठीक है, सो दिस इज इट। नाउ इसके बाद इसका थोड़ा होता है और डायरेक्ट लिंक विद ह्यूमन एफर्ट्स, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, मतलब ह्यूमन एफर्ट्स पे डिपेंड करता है लेबरर, ठीक है, ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, कम काम करेगा दिमाग ज़्यादा लड़ाएगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, क्वालिटी प्रोडक्शन निकलेगी, ठीक है, तो वेरिएशन इन पावर, उसके बाद मतलब पावर में वेरी करता है। देखिए डॉक्टर अपनी अगर उसका हम देखें उसके एफर्ट्स वो अलग है देन इंजीनियर, ठीक है, इसी तरह कोई लेबरर है उसके अलग है, एंटरप्रेन्योर का कोई अलग है, एंटरप्रेन्योर दिमाग चलाता है, वो नए नए प्रोडक्ट्स लाता है, तो उस वो अपने स्किल्स को यूज़ करके एक अलग सेट ऑफ स्किल्स से अपना लेबर दे रहा है, डॉक्टर अलग से दे रहा है और इंजीनियर अलग से दे रहा है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है वीक बार्गेनिंग पावर, तो वीक बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या है, देखिए आप कोई भी मार्केट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, अब आप कोई खास कैटेगरी आप लेबरर ले लीजिए, जैसे टीचर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स गवर्नमेंट टीचर्स या प्राइवेट टीचर्स भी जो भी आप कहें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो मोर और लेस तो इनकी जो सैलरी होगी फिक्स्ड होगी, हर किसी टीचर की जो सैलरी है वो यूजुअली फिक्स्ड होगी, मतलब कोई भी पर्टिकुलर ग्रेड के टीचर आप ले लो तो उनकी जो सैलरी है मोर और लेस सेम होगी, मतलब बार्गेनिंग पावर वीक होता है। बार्गेनिंग पावर का मतलब देखिए बार, ठीक है, तो जो मार्केट में रेट्स होती है ऑलमोस्ट उसी पे मतलब जो है ये लेबर डिपेंड करता है, उसी पे वर्क करता है, ठीक है, सो ये है, दिस वॉज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम चलेंगे इसके बाद तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ आर कैपिटल, ठीक है,
देखिए, अब कैपिटल में क्या आता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब हम कैपिटल को स्टडी करते हैं। देखिए, कैपिटल को हम आगे भी यूज़ करेंगे नेशनल इनकम में या फिर जीडीपी जीएनपी में हम यूज़ करेंगे, तो उस पर हम अलग से इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसको डिस्कस करेंगे, तो कैपिटल का मतलब क्या है कि जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है, देखिए, जो भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि हम इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज फ्लो करती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो जो भी गुड्स और सर्विसेज बाकी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो उनको हम उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, या रिसोर्स भी, ठीक है, तो कैपिटल हम कहते हैं उसको जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल आता है, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि हमारे पास होते हैं एक तो कंज्यूमर गुड्स, सीजी मैंने सिंपल लिखा, और होते हैं हमारे पास कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो मतलब जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। आप मान लीजिए टॉफ़ी है, चॉकलेट है, ठीक है, तो ये तो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं होते, तो एंड यूज़ क्या है इनका, तो सीधे कंज्यूम होते हैं। तो उसके बाद कैपिटल गुड्स जो बाकी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। आप मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कोई भी जो रोटियां बनाता है, ठीक है, तो व्हाट ही डू, उसके उसके लिए व्हीट व्हीट वो लाता है। ठीक है, तो व्हीट से वो क्या बनाता है, ब्रेड। ठीक है, ब्रेड, तो उसके लिए जो व्हीट है, व्हीट उसके लिए एज कैपिटल गुड यूज होगा। ठीक है, क्योंकि व्हीट वो यूज करता है ब्रेड बनाने के लिए, तो व्हीट उसके लिए कैपिटल गुड है। इसी तरह किसी आप कोई फर्म है जो कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो इनके लिए ये कैपिटल गुड है क्योंकि ये बेच रही है आगे बिजनेस में। ठीक है, किसी बिजनेसमैन को, किसी भी पर्सनल कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर अगर फिर बिजनेस में यूज़ हुआ, तो बिजनेस में कंप्यूटर क्या है फिर, एज कैपिटल गुड है। तो कैपिटल गुड वो है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं बाकी बाकी जो आउटपुट है वो निकालने के लिए, जैसे बाकी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस यूज़ होंगी, तो उनको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो जैसे आप फिर से एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, और एक सीविंग मशीन की, ठीक है, सीविंग मशीन, ठीक है, तो ये भी एक कैपिटल गुड है क्योंकि देखिए जो फैक्ट्रीज को बना रही है उनके लिए भी एक वो तो निकाल रही है, और किसी आगे किसी और को बेच रही है। ठीक है, तो जो उसको यूज़ कर रहा है वो एज इनपुट यूज़ कर रहा है ताकि वो उसे कपड़े जो है उनकी सिलाई कर सके। तो ये भी क्या हुआ, यूज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होंगे उनको हम कहते हैं कहते हैं एज कैपिटल, इकोनॉमी में हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो ना कैपिटल का, और दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए कैपिटल जो है वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वर्कर टू वर्कर, लेबरर टू लेबरर वेरी करेगा। जैसे टीचर को क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, बोर्ड चाहिए, तो ये उसके लिए कैपिटल है। ठीक है, तो ऐसे ही डॉक्टर के लिए स्टेटस्कोप, तो उसके लिए वो एक एज कैपिटल गुड काम करेगा। ठीक है, तो अब हमने ऊपर देखा, जैसे जो हमें लैंड से मिला, रेंट मिला, तो उसके बाद जो हमें लेबर से वेजेस मिला, तो उसके बाद जो यहाँ जो मिलता है कैपिटल से, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो कैपिटल से जो हमें जो हम कमाते हैं तो वो हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे कोई टायर कंपनी है, ठीक है, टायर कंपनी, टायर आप मान लीजिए कोई कार कंपनी, कोई कंपनी है और वो निकाल रही है टायर्स, टायर्स प्रोड्यूस कर रही है, तो टायर्स में क्या है कि देखिए ये टायर्स तो आगे बिकेंगे, ठीक है, ठीक है, खुद तो थोड़ी यूज़ करेंगे, तो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई फर्म जो टायर्स बना रही है तो टायर्स को आगे बेच रही है, तो उनके लिए टायर क्या है, कैपिटल गुड है। ठीक है, तो कैपिटल गुड अब क्या है यहाँ पे, देखिए अब इन टायर से इन पे तो इनको कोई ना कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, कोई ना कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन पे आया उससे ज़्यादा पे बेचेंगे, तो जो वापस इनको रिटर्न आया इस कैपिटल गुड को बेचने के बाद, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैपिटल पे जो भी मिलेगा हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है तो उसको क्या है कि डॉक्टर जो अपनी कैपिटल गुड्स जो वो यूज़ कर रहा है, तो उनसे जो मतलब उसको कमाई होगी, दैट इज़ कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो भी देगा, कैपिटल जो आउटपुट हमें देगा, तो उसको हम कहते हैं एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ ना कुछ आएगा। देखिए ये अगर मैं बोलूँ, ये बुक, बोर्ड एट्सेट्रा, ये टीचर ने यूज़ किए। ठीक है, तो टीचर ने ये सब यूज़ किए। अब अगर आप मान लीजिए कोई टीचर
यहाँ पे लीजिए आप प्राइवेट, कोई प्राइवेट ट्यूशन्स दिला रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए, उसके लिए देखिए उसकी तो कोई सैलरी नहीं होगी, तो मतलब एज लेबरर उसको क्या मिलता, वेजेस मिलता, ठीक है, कोई वेजेस मिलता किसी कंपनी की तरफ से। लेकिन अब वो अपनी अपने आप ही कोई ट्यूशन चला रहा है, तो उसके लिए उसको कुछ रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे बोर्ड हुआ, पेन हुआ, बुक हुई, ठीक है। तो वो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो फिर उसको बचेगा, ठीक है, जो वो कमाएगा, तो वो उसके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये टर्म्स आप याद रखिए, इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, वेजेस रेंट कहाँ पे आएगी। तो देखिए कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पे आप याद रख लीजिए, इससे बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि देखिए टीचर का मैंने आपको दिया, जब मैंने टीचर को एज इंडिविजुअल माना, उसने एज इंडिविजुअल काम किया, तो जो उसको फिर कैपिटल लाना पड़ा, और उसके बाद जो उस कैपिटल से बाहर निकाल के उसको जो मुनाफा हुआ, तो वो एज कैपिटल उसको एज इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो कोई टायर कंपनी है तो वो बेच रही है, तो उसके बाद जो उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बगैर जो बचेगा, तो वो होगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसके थोड़े देख लेते हैं। इट इज़ मैन मेड, ठीक है। तो मैन मेड मतलब जो भी कैपिटल हमारे पास होता है, हमारी इकोनॉमी में होता है, ये मैन मेड होता है, क्योंकि लैंड को हमने क्लासिफाई किया एज लैंड, एज कैपिटल नहीं है, क्योंकि लैंड को हमने पहले ही क्लासिफाई किया एज नेचुरल, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि ये मैन मेड है, तो पैसिव फैक्टर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेबर के ऊपर फिर से आना चाहूँगा, थोड़ा एक चीज़ मैं आपको भूल गया थोड़ा सा। तो देखिए लेबर जो होता है यहाँ पे, लेबर इज एक्टिव फैक्टर, ठीक है। तो एक्टिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर का मतलब क्या है कि इसी से प्रोसेस इनिशिएट होती है, ठीक है। देखिए अगर लेबर काम नहीं करेगा तो क्या कुछ इकोनॉमी में होगा, मान लीजिए कि सारे डॉक्टर्स, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर सब बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, तो बाकी सब ऐसा ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो मतलब लेबर एक्टिव फैक्टर है जो इनिशिएट करता है प्रोसेस को, ठीक है, मतलब जो इनिशिएट करता है प्रोसेस को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है, ठीक है। तो इनिशिएट जो पहले जो मतलब जो जो इनिशिएट करता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को, तो लेबर करता है, क्योंकि एफर्ट्स ज़रूरी चाहिए होते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो लेबर एज एक्टिव फैक्टर काम करता है। देन कैपिटल ये एज पैसिव फैक्टर काम करता है, मतलब लेबर पैसिव फैक्टर मतलब एक्टिव पहले होगा तो उसके बाद पैसिव होगा, ठीक है। तो पैसिव का मतलब ये जो कैपिटल है, ये इसी को मतलब लेबरर्स इसी पे काम करके बाकी गुड्स और सर्विसेज जनरेट करती है, ठीक है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है, मोबिलिटी हाई, तो कैपिटल की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बैंक की एग्जांपल दे दी, कस्टमर गया बैंक को, लोन बैंक में डिपॉजिट कर लिया, ठीक है, तो बैंक ने आगे लोन दिया, ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट किया और बैंक को आगे लोन दिया, बैंक ने आगे लोन दिया, तो मतलब कैपिटल देखिए कितना फ्लो करता है, ठीक है, मतलब लोन आगे कहीं और जाएगा, ठीक है। या यही आप मान लीजिए टायर्स की एग्जांपल, टायर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी फर्म में, आगे जा रही है किसी कंज्यूमर के पास, और कंज्यूमर वो यूज़ करता है अपनी कार में, तो कार कितनी मतलब कार तो डेली चलाता है, कितनी कितनी जगह जाता है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो अब उसके बाद जो उस और जो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि मैन मेड, पैसिव फैक्टर, हाई मोबिलिटी, तो वेरिएबल इन नेचर, ठीक है। वेरिएबल इन नेचर का मतलब है, देखिए कैपिटल बहुत वेरी करता है, ठीक है, बहुत वेरी करता है। इसका मतलब है कि देखिए कैपिटल तो डेप्रिशिएट भी होता है, हमारे पास मशीनें हैं, कुछ भी है, किसी भी फर्म के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, तो वो डेप्रिशिएट भी करती है, मतलब कैपिटल जो है वो वेरी, वो एक ऐसी चीज़ है जो वेरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन होगी कैपिटल का वैल्यू कम होगा विद टाइम, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। हमने लैंड में देखा था कि वो इनइलास्टिक थी, फिक्स्ड थी, परमानेंट थी, लेकिन जो ये कैपिटल होता है ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो टायर्स तभी बनेंगे जब कार्स चलेंगी, ठीक है। आप मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो गए, पेट्रोल क्राइसिस आ गई दुनिया में और पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, तो कार्स तो बिकेगी ही नहीं, तो कार ही नहीं बिकेगी, तो टायर भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यह मतलब है, तो ये डिपेंड करता है ऑन सप्लाई, कितनी डिमांड और सप्लाई है, ठीक है। अगर नई गाड़ियों की ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा सप्लाई है, तो उसके टायर की जो प्रोडक्शन है बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह आप एग्जांपल ले लीजिए ऑयल की, ऑयल के प्राइसेस राइज करेंगे
ऑयल के प्राइसेस राइज़ करेंगे तो गाड़ियों की डिमांड कम होगी, ठीक है। तो इसी तरह तो मतलब ये जो है वेरी करता है, ठीक है, क्योंकि ये मैन मेड है तो वेरी करेगा, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कैपिटल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जो जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी इन द इकोनॉमी। देन कैपिटल को और एक नाम हम देते हैं, स्टोर्ड अप लेबर, ठीक है। स्टोर्ड अप लेबर का मतलब है, देखिए कैपिटल, आप मान लीजिए आपने कोई सेविंग कर ली, ठीक है, आपने बैंक में कोई सेविंग कर ली, लेकिन आपने तो कुछ ना कुछ काम किया होगा ना, कोई वैल्यू एडिशन किया होगा इकोनॉमी में, अपनी सर्विस दी होगी, तो उससे जो आपको इनकम हुई वो आपने बैंक को दे दी, तो बैंक ने उसको आगे एज लोन ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो होता है कैपिटल, ये स्टोर्ड अप लेबर होता है, ठीक है। या आप किसी भी फर्म की एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी, मतलब आप यहाँ पे लीजिए एंड्रॉयड की एग्जांपल, ठीक है, एंड्रॉयड एंड्रॉयड नहीं है, आप ले लीजिए एग्जांपल एप्पल की, ठीक है। एप्पल तो एप्पल एक फर्म है, ठीक है, एक प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ से फ़ोनस निकलते हैं, हाई क्वालिटी फ़ोनस निकलते हैं। लेकिन ये एप्पल का अगर हम देखेंगे, देखिए इसकी मतलब जो आज गुडविल है, जो इसका रेप्यूटेशन है, वो क्या है, दैट इज़ एक्चुअली स्टोर्ड अप लेबर, मतलब जो इस पर काम हुआ है, जो इस पर स्किल लगा है, ठीक है, जो स्किल इस पर यूज़ हुआ है, तो उसी की वजह से आज ये एक रिप्यूटेड ब्रांड है, या इसकी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन है, गुडविल है। तो कैपिटल क्या होता है, वो अब क्या होता है, स्टोर्ड अप लेबर, ठीक है, मतलब जो भी एफर्ट्स हमने लगाए हैं वो जमा होते हैं इन द कैपिटल, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो ये थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपके सिलेबस में थे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको इनके बोले और बाकी जो बेसिक था वो मैंने आपको बोल दिया, तो ये आप याद रखोगे तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, नाउ एंटरप्रेन्योर पर्सन हु ऑर्गेनाइज अदर थ्री फैक्टर्स एंड हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अब हमने पढ़ा लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और उसके बाद लास्ट एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर देखिए ये तो पर्सन होगा, ठीक है, तो कोई ह्यूमन ही होगा। तो उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, ये बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं एक जगह, ठीक है। मतलब इनके पास इतना स्किल होता है कि मतलब इनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी का अगर हम देखेंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर्स इवेल्युएट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, ये मार्केट कंडीशंस को इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उस इवेल्युएशन के बाद ये ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके पास ऐसे स्किल्स होते हैं कि ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लैंड लेबर एंड कैपिटल को। लैंड लेबर कैपिटल को जब ये ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका मतलब है कि इनके पास वो स्किल्स होती हैं, वो कला इनके पास होती है कि ये बाकी थ्री फैक्टर्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करती है, उस रेशो में ऑर्गेनाइज करती है कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप देखिए जैसे मतलब आज के एंटरप्रेन्योर्स, और इनको रेप्यूटेशन भी बहुत होती है, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी रेप्यूटेशन एटसेट्रा आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनाइज करते हैं बाकी थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसको ये ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि उससे प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो दूसरी बात अगर हम इनकी देखें, तो ये डिसाइड करते हैं पॉलिसीज़ ऑफ ए फर्म, ठीक है, मतलब जो भी पॉलिसीज़ ऑफ ए फर्म है, या अगर आप मान सकते हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द फर्म, ठीक है। ओनर्स ऑफ द फर्म मतलब इनके ऊपर कोई नहीं होता है, तो ये खुद ओनर्स होते हैं किसी भी फर्म के, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब है, देखिए अगर कोई फर्म है हमारे पास, अगर ये कोई फर्म है तो इसमें कोई मैनेजर होगा, फिर मैनेजर के नीचे और एम्प्लॉयज़ होंगे, तो मैनेजर को मोटिवेट करेगा कौन, ऊपर जो होंगे डायरेक्टर्स बाकी, ठीक है। तो जो भी फिर ऊपर होगा सबसे एंटरप्रेन्योर होगा, तो एंटरप्रेन्योर को कौन मोटिवेट करता है, तो वो होता है सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, इनकी सेल्फ मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे आप आज डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है वहाँ पे, तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा एट हाई लेवल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आई, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो रिवॉर्ड जो इनको मिलता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जो
एंटरप्रेन्योर को जो भी मिलता है अपना, जो भी वो थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करके जो भी उसके बाद वो प्रोडक्शन करता है, तो उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कट करके जो उससे एंटरप्रेन्योर को मिलता है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट उसका गुडविल भी हो सकता है, उसकी रेप्यूटेशन है, उसका ब्रांड, उसका पैसा, एटसेट्रा, एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनिशिएट द बिजनेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, दे इनिशिएट द बिजनेस। ओके, इनिशिएट द बिजनेस एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनस। ओके, तो बिजनेस को इनिशिएट करते हैं, चलाते हैं, ऊपर होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनस होते हैं। ठीक है, तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ठीक है, नाउ उसके बाद जो हमारा आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो हमें कहती है, सबसे पहले आज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो मे बी आज मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैं इसको कल अच्छे से डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन आज भी मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं कंप्लीट कर पाया तो ठीक है। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है, देखिए सबसे पहले इस थ्योरी तक पहुँचने के लिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, ये मान लीजिए आप कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, तो इस पीस ऑफ लैंड का कोई मालिक है। ठीक है, ये मान लीजिए सॉरी, तो हम इस क्लास को कंक्लूड करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आई थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई, तो आई होप कि यू विल नॉट माइंड। सो गुड बाय, टेक केयर।